नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के नजदीक खलचिया पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू। आधा किलो हेरोइन, एक पिस्तौल, एक लग्जरी गाड़ी की बरामद। अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू इलाके में बाइक सवार दो युवकों ने पिस्तौल की नोक पर वीरका बूथ के मालिक को लूटा। सोने का कड़ा, सोने की बाली और 8,000 रुपयों की नकदी लूट हुए फरार। होशियारपुर के तलवाड़ा थाने की पुलिस ने टेरेस रोड पर स्थित एक होटल में चल रहे जिस्म फिरोशी के अड्डे का पर्दा किया फाश। 11 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के नजदीक खलचिया पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी बाबा बकाला हरकृष्ण सिंह ने बताया कि पकड़े गया आरोपी तरनतारन जिले का रहने वाला है और उसके पास से आधा किलो हेरोइन, एक पिस्तौल और एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है। आरोपी का पिता भी एक मामले में जेल में बंद है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपयों के करीब बनती है। उन्होंने बताया कि आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है ताकि आरोपी से आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मानजोग एसएसपी सतिंदर सिंह, आईपीएस एसएसपी अमृतसर देहाती वलों नशे नूं ठल पाउण लई उपराले किए जा रहे हैं, जिसके चलदिआं एसएचओ बिक्रमजीत सिंह ते उसकी टीम नूं एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसते एसआई हरबंस सिंह जो कि थाना खलचिया तैनात है, वो जीटी रोड से किसी नाके के संबंध में मौजूद सी। एक फोरचूनर गड्डी PB 46-6600 जिसनों रोक के चैक किया, उस विचों अद्धा किलो हीरोइन बरामद हुई। अते जदों उसकी दोबारा सर्च की तो उसके कोल एक पिस्टल भी बरामद होया, जो हीरोइन अते पिस्टल नूं बरामद करके असी थाना खलचिया विखे अंडर सैक्शन 2556 NDPX एक्ट के तहत परचा दर्ज करके अगली इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आ शुरू कर दिती है। जिहड़ा दोषी आ इहदा नाम गुरविंदर सिंह उर्फ मोटा, सन ऑफ सकत्तर सिंह, वासी सरियाली है। ये जिहड़ी साडी मुढ़ली तफ्तीश है तो पता लगा कि काफ़ी मात्रा दे विच नशे सप्लाई करता है। ये खिलाफ़ पहला भी परचा दर्ज है तो अजे 1.5 महीना ये जेल दे विच लै के रह के थोड़े दिन पहला ये वापस आया सी। जिहड़ा इहदा बाप है वह भी NDPS केस दे विच गोइंदवाल जेल में बंद है। जो असी परचा दर्ज कर लिया, परचा दर्ज करके असी अज रिमांड लिया। इस तो बाद असी इहदी डूंघाई नाल पड़ताल करांगे अते इहदा जिहड़ा पूरा गैंग है उहनूं असी बस्ट करांगे, तां जो जिहड़ा पंजाब दे विच नशियां दी सप्लाई नूं बंद किया जा सके। इहदी कोई जिहड़ी अपना इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक 3 करोड़ के करीब दसी जा रही है, जी यदि कौमांतरिक तौर पर जी कीमत है। जिहड़ा पिस्टल आ उहदे बारे हाले कोई तत् सामने नहीं आए कि लसांसी है कि नजायज़ है। ये तो लसांसी दसदा है, परंतु असी जिहड़ा थाना सरियाली तो पता कराया इहदे कोल कोई भी इस तरह का कोई लसांसी हथियार नहीं आ। उहदे संबंध में असी पड़ताल कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਸਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਮਿਸਲ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਉਹ ਬਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੈਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਯੁਵਕੋ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀ ਨੋਕ ਪਰ ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਰ ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਲੂਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ ਬੂਥ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਸੋਨੇ ਕਾ ਕੜਾ, ਕਾਨ ਮੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਨੇ ਕੀ ਬਾਲੀ ਔਰ 8,000 ਰੁਪਏ ਲੂਟ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰੋਂ ਕਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਲਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਲੁਟੇਰੋਂ ਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੁਬਹਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਆਏ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ? 3 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰ? ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੁੱਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕੜਾ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਤੇ 43,000 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 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 ਇਲਾਕੇ ਦੇ? ਜਲਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੀ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹਦਾਇਤੋਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਰੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਤਲਵਾੜਾ ਕੇ ਟੈਰਿਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕਰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਹਾਲਤ ਮੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਪਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾੜਾ ਥਾਣਾ ਕੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਮੇ ਦੇਵ ਵਪਾਰ ਕਾ ਧੰਦਾ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਾ ਕਰ ਭੇਜਾ ਔਰ ਨੋਟੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੀਏ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹੋਟਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਤਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਮੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾਏ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਥਾ ਉਪਾਸਨਾ ਉਰਫ ਸੁਧਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਕਸ਼ਮੀਰਪੁਰ UP ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਕਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਹੋਟਲ ਮੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ये दोनों महिलाएं ग्राहकों को लड़कियां पेश करती हैं। जब भेजे गए पुलिस कर्मचारी को पूरा यकीन हो गया तो भारी पुलिस फोर्स ने होटल में रेड कर जिस्म फिरोशी धंधे में लिप्त दो महिलाओं के अलावा 5 जोड़े तथा होटल के मैनेजर सुमित को गिरफ्तार किया है। होटल मालिक अमित रिंकू अभी फरार चल रहा है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। संगरूर शहर में चोरी व लूटपाट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है संगरूर के गांव जहांगीर में से, जहां पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा नौवीं पातशाही में गत दोपहर बाद गुरुद्वारा साहिब में लगी गुल्लक को एक चोर अपने कंधे पर उठाकर ले गया, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति आता है, पहले वह गुरुद्वारा साहिब में घूमता है, जिस कारण गुरुद्वारा साहिब में लगे अलग अलग CCTV कैमरों में उसकी तस्वीर कैद हो जाती है। फिर वे अंदर से एक बोरे में वहां रखी गुल्लक को डालकर अपने कंधे पर उठाकर चला जाता है। चोरी की घटना का पता उस समय लगा जब शाम के समय गांव के लोग माथा टेकने के लिए आए और देखा कि वहां पर गुल्लक नहीं थी। इस दौरान गांव के लोगों ने कहा कि ये उनके गांव का ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, इसलिए वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੇਰੂ ਵੱਲੀਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 5-5:30 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਜੀ। ਕੀ
ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਰੂ ਵੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧੂਰੀ ਵੱਲੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ 4:30 ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਧੂਰੀ ਕਨੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਕਚਾ ਕੇ ਗੱਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ 2-3 ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 5:15 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 9 ਟਿਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਖਣੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9 ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧੂਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਹਿਰੂ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਜੀ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਗੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਗੇੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜੇ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਉਹ ਸੀ ਬੋਰੀ ਚੌਥੇ ਗੇੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲਕ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਈਡ ਧੂਰੀ ਕਨੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ SSP ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਧੂਰੀ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਧੂਰੀ ਕੀ ਗਾਓਂ ਮੇ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਗਾਓਂ ਗਾਓਂ ਮੇ ਜਾ ਕਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पुलिस स्टेशनों में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उनका फीडबैक लेना था क्योंकि फील्ड में काम करने वाले ही सही फीडबैक दे सकते हैं उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों में जो वाहन बंद पड़े हैं उनके हल के लिए भी प्रयास किया जा रहा है जल्द ही इन वाहनों को इनके मालिकों को सौंपा जाएगा और जो ज़्यादा खराब हैं उनका भी हल किया जाएगा संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ SP ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧੂਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ
जल्द तो जल्द निपटारे वास्ते मतलब इन्हों सिंपल डायरेक्शन हैगी कि एक महीने तो उपर तो कोई दरखास्त पेंडिंग ही नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज जड़ा है जोड़े क्रिमिनल केसेज है उन्होंने इमीडिएटली जड़ा वो कानूनी अनुसार जड़ा कार्रवाई करके तो वह परचा दर्ज होना या उद सतिकुंजा होनी जो भी कानून मुताबिक कार्रवाई बनती हैगी तुरंत किए जाने बारे असं डायरेक्शन दिती हैगी। जड़ा पेंडेंसी हैगी उन्होंने अर्ली डिस्पोजल वास्ते इन्होंने गाइड किया है डायरेक्शन दी है। एक फोर्स के नाल जो थाना लैवल की फोर्स हैगी डायरैक्ट इंटरैक्शन जरा मोटिवेट करता फोर्स में एट द सेम टाइम एस एस पी तक रियल फीडबैक भी पहुँचता है जोड़ा वो सुपरविजन और इंपरूव करने वास्ते साढ़े वास्ते हैल्पफुल है। ये वास्ते असी एक वन टू वन डायरैक्ट कोऑर्डिनेशन इंटरैक्शन जरा आज रखा है सब डिविजन लैवल से तो बहुत वधिया फीडबैक भी हैगा ते नाल तुसीं देख रहे हो कि सारे मुलाजम बड़े उत्साहित भी हैगे ते डेफिनेटली चंगा काम ऑलरेडी कर रहे हैगे और चंगा काम करनगे आने वाले समय में जी। एक देखा गया थाने दे विच इधर वहीकल ने बिना काफ़ी पे ने उसनूं लैके पुलिस वालों किस तरह कर दिता जाए वो साडा स्पेशल कैंपेन जिहड़ा हैगा वहीकल डिस्पोजल वास्ते ते उस तो अलावा जिहड़ा और भी माल मुकदमा जिदा एक्साइज एक्ट का शराब पई हुंदी थाने च या और कोई माल मुकदमा पिया हुंदा जिहड़ा काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता हैगा उहदे वास्ते साडा स्पेशल कैंपेन चल रहा हैगा ते वो ऑलमोस्ट रेडी हैगा काफ़ी बड़ी तादाद जिहड़ा आने वाले समय से इस नैक्सट मंथ असी वहीकल डिस्पोज ऑफ करवावांगे जिहड़ा कानून मुताबिक कुछ वहीकल्स का ऑक्शन होना हुंदा कुछ वहीकल्स जिहड़े हैगे वो मालकां नूं हैंडओवर करने हुंदे कुछ उस तरीके का सारा जिहड़ा करके ते वो काफ़ी राहत मैनूं लगदा आने वाले एक महीने से असी थाने दे जिहड़े स्पेस वास्ते वो करांगे। इक तुहाडे वल्लों नशां दे खिलाफ इक मुहिम चलाई गई है उस नूं लैके किवें उजागर कीता जा रहा है? देखो नशा की जिहड़ी मुहिम हैगी आ नशा जिहड़ा हैगा वो समस्या आज दे दिन अपनी एक पुलिस की प्रॉब्लम दे बजाय एक सोसाइटी की प्रॉब्लम बन चुकी हैगी इन्हों आपां सारे मनते भी हाँ समझते भी हाँ तो जिस दिन मैं समझदा कि पुलिस दे नाल मोड़े तो मोड़ा मिला के समाज सोसाइटी मीडिया सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर तो नशे दे जिहड़े कारोबार च लिप्त जिहड़े लोग हैगे ओ उन्होंने कोई राह नहीं मिलेगा इस चीज़ तो डेफिनेटली आ चीज़ खत्म हो जाएगी। इसी कड़ी च जड़ा हैगा असी पिंड लैवल तक जड़ा अपने मुलाजमान दे नाल इंटरैक्शन च भी वो विलेज पुलिस अफसर जिन्हों आप कह रहे हैं बीट अफसर उदे राही उन्हां दे बड़ी पेयर्स बना के उन्हां दे राही अवेयरनैस कैंपेन्स शुरू कर रहे हैं। पहला भी असी आ चीज़ करते रहे हैं बट हुण इहनूं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके नाल शुरू करके एस पी साहब लीड करनगे धूरी वाले तो धूरी हल्के नूं एज ए पायलट बनाते हुए कि बड़ी पेयर से सारे मुलाजिम जाएंगे ड्रग अवेयरनेस के रिगार्डिंग कैंप्स ते मीटिंग्स करेंगे मोतबारा नाल पिंड दे ते उस तो अलावा जड़ा हैगा इनफोर्समेंट का जड़ा काम हैगा वो बड़ी सख्ती दे नाल पिछले दिनों से तुसी देखा होना तुहाडे कोल प्रेस नोट भी आया हैगा बड़ी रिकवरीज कमर्शियल क्वांटिटी की असी पिछले दो तीन हफ्तों से की हैगी चार पाँच केस कमर्शियल दे दर्ज हुए है उहदे च बाकी भी और जड़े बैक टू बैक असी ट्रेस करा रहे हैं कि जिहदे विच एक बंदे तो पिछला सप्लायर उस तो उसका पिछला सप्लायर वो ट्रेस करके जिहड़ा जो नैक्सस हैगा उन्हों ब्रेक जो करांगे उदों इस ते ठल पएगी ते उस ते असी काम कर रहे हैं। धूरी के रनिया गांव में नहरी पानी खेतों तक पहुंचाने की शुरुआत की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता अनवर भसोड़ ने इस काम का उद्घाटन करते हुए कहा कि जैसा कि उन्होंने चुनाव से पहले वायदा किया था कि खेतों में नहरी पानी पहुँचेगा वही वायदा सरकार ने पूरा किया है। धूरी के कई गांवों में नहरी पानी पहुंचना शुरू हो गया है और इसी कड़ी के तहत रनिया गांव में इसकी शुरुआत की गई है। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा और धरती के निचले पानी की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि नहरी पानी खेतों तक पहुंचने से किसान भी बेहद खुश हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। की कहोगे जिहड़ा पानी छड्या गया की उहदे बारे की कहना? अज असीं पिंड रंगिया विखे जिहड़ा नहरी पानी आ उहदी शुरुआत कराई आ क्योंकि पहला पाइपलाइन वगैरह पई आ सारे साडा जिहड़ा हलका है सरदार भगवंत सिंह मान जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री ने उन्हां दा हलका पहली सरकार आ जिन्हें नहरी पानी ते प्रोजैक्ट ते काम कीता गा 75 साल तो जिहड़ियां असीं सरकारां चुणदे रहे और किसानां दीआं हैसियत कहाउण वालीआं सरकारां ने 1% भी नहरी पानी नूं नहीं यूज करिआ। पहले पंजाब दे मुख्यमंत्री ने जिन्हां ने इह कहा कि पंजाब दे किसान नूं बचाउणा बहुत जरूरी आ। अज पंजाब दा किसान करजे दे भार थले दबिया होया उहनू कढ़न दे लई मैं समझदा सरदार भगवंत सिंह मान 1.5 साल होया सरकार बणिआ नूं 1.5 साल दे विच जिहड़े जतन पंजाब दी किसानी नूं बचाउण लई करिआ अज तक दे किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करे किसी सरकार ने नहीं करे। पहली सरकार आ जिन्हां ने इह कहा सरदार भगवंत सिंह मान ने कि हर जमीन जिथे मर्जी आ
हर खेत में जिहड़ा नहरी पानी लगेगा और वह प्रोजैक्ट आ जिहड़ा डे बाई डे वाधा किया जाता जो असी रंगिया विखे शुरू करिया ये प्रोजैक्ट सीएम साहब का हल्का गा कोई भी पिंड ऐसा नहीं रहेगा जिथे नहरी पानी ना लगे। मैं समझना सही जिहड़ा पानिया का राखा वो पंजाब का मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान आ जिन्हें पंजाब के किसान लिए ये पानी का प्रबंध किया। ये पानी ताकतवर हों गा इन्हें खेतों जिथे ताकत देनी उत्थे साडे जिथे नीचे वाले जमीन का पानी बचना उत्थे बिजली का बहुत बड़ा फायदा होना इसलिए असी मुबारकबाद दिंदे आ सरदार भगवंत सिंह मान नूं जिहड़ा ये पानियां ते काम कर रहे हैं। देखो जी साडे अज मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जिन्हां दा लास्ट वाला पिंड आ बरनाले दे जूह नाल लगदा रंगिया पिंड अज उत्थे दे किसानां दे विच इन्नी खुशी आ कि रंगिया पिंड दे अज 250 एकड़ नूं पानी लाया मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने। उन्हां ने हमेशा ही पंजाब दे किसानां लई पंजाब दे मजदूरां लई हमेशा सोचिया ते रंगिया पिंड दे विच अज जिन्हें जिम्मेदार किसान भरा खड़े आ वो अज इन्ने खुश आ ते उन्हां नहरी पानी भी मिल रहा ते मोटरां दी भी लाइट 10 to 11-12 घंटे मिल रही है। ये पानी तो देखो जी साडी धरती का निचला पानी भी बचा रहा ते ये पानी जिहड़ा साडे लई ताकतवर भी आ जिथे सानू रेह स्प्रेयां दी ज़्यादा जरूरत पैंदी सी हुण सानू बहुत घट पैणी आ। साडा कहना यह है जी पहले तो 50 एकड़ च पानी जांदा सीगा हुण 250 एकड़ च इहदा पानी जाऊगा जी। सानू तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया धन्नवाद है भगवंत मान जी का असी तो बहुत खुश हाँ जी। टेलों तक ही बग गया जी साढ़े तो हम रास्ते ही रह जाता जी पानी बिल्कुल ही खत्म सीगा तो हूँ कि हरेक बंदे पानी मिल रहा है अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। लाइटा आ 6-7 घंटे बत्ती आती थी तो हूँ आ 10 घंटे साढ़िया मोटर चल दया ने मोटर खड़ा पैदा ने जी जो सब्बे भर देने बहुत वधिया काम होया जी धन्यवाद है जी भगवंत मान जी का। पहले सू 6-7 घंटे लाइट मिले जी 12-12-14 घंटे लाइट चलती है जी। साडे पिंड मोगियां दे विच पाइपलाइन पई है पिंड दे लोग सारे बागो बाग ने जी। अगर ये पिछलियां सरकारां 25-30 साल पहले ही काम कर दिंदियां अज साडे 50 फुट ते पानी हुंदा जी जिथे अज 150 फुट तो उपर है। बहुत वधिया लग्या जी सानू इह जिहड़ा भगवंत सिंह मान दे आम आदमी पार्टी ने उपराला कीता जो पाइपलाइना पा के किसानां नूं पानी दे रहे ने क्योंकि साडे तकरीबन 50 किल्यां दे विच ही पानी पैंदा सी 250 एकड़ ते मोगा लग्या होया अगे 200 एकड़ नूं जिहड़ा पानी नहीं मिलदा सी उहदे करके बहुत दिक्कत आ रही सी। जिहड़ा पानी दा लैवल सी तकरीबन 150 फुट ते जा चुक्या सी नहरी पानी ना लगन करके पर अज जिहड़ा इन्हां ने उपराला कीता आप दी सरकार श्री भगवंत सिंह मान जी ने वह बहुत वधिया कीता किसानां नूं पानी टेलां तक पहुँचाया असी वो गल तो जिहड़ी तो उन्होंने कही वो तो फुल चढ़ाए उन्होंने भी मोटरां बंद करके जिहड़ी झोना लगन ला दूंगा ये गल वाकई सच आ जी। असी मोटरां बंद कर दें 2-2-4-4 घंटे मोटरां चला के असी बंद कर दें जिहड़ा हुण सानू नहरी पानी मिल गया अज उद्घाटन हो गया इन्हां दा भी असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं तो ये होर भी फर्क पऊगा जिहड़ा धरती दे लै पानी दा लैवल आ वह होर भी उपर आऊगा क्योंकि मोटरां बंद होने कारण नहरी पानी लगेगा तो जिहड़ा थल्ले वाला पानी आ साडा उहदी शेविंग होगी जी। असी सारे पिंड निवासी आप दी सरकार श्री भगवंत सिंह मान दा बहुत बहुत धन्यवाद। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर निवासी आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं के कारण काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं जिसके चलते इलाका निवासियों की ओर से प्रसिद्ध समाज सेवक एवं आप नेता अजय कुमार पीवल से संपर्क साधकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया जिसके बाद प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवल ने उन लोगों का इलाज करवाया जिन्हें आवारा कुत्तों ने काटा था जिसके बाद उन्होंने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि जल्द से जल्द दीपनगर में से आवारा कुत्तों और पशुओं को निकालकर उनका हल किया जाए ताकि इलाका निवासी आराम से अपना जीवन बसर कर सके। इस मौके पर अमित कुमार सुदेश कुमार भीमसेन रोहित कुमार राजेंद्र कुमार गोल्डी सोनिया सीमा दर्शना सोमा बब्बू रिम्पी कंचन बबीता सीता नेहा सहित सभी इलाकावासियों ने अजय कुमार पीवल का उनकी समस्या को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार जी मैं अजय पीवाल दीपनगर से सोशल वर्कर। आज हमारे दीपनगर में जितना आतंक जानवरों ने मचाया हुआ है चाहे गाय हो चाहे सांड हो और सबसे ज़्यादा जो आतंक मचा हुआ कुत्तों ने मचाया हुआ है आए दिन हमारे कोई ना कोई कंप्लेंट आती है जिसमें 3-4 बच्चों को मैंने पहले एडमिट कराया फिर हमारी एक बहन को काटा गया। आज छोटी साहब को जब हमने फ़ोन किया उन्होंने पहल के आधार पर आज अपनी कॉर्पोरेशन से टीम भेज के वो कुत्तों को उठवाया गया और 2 सांड उठाए गए हैं। मैं बहुत दिल की गहराइयों से सोडी साहब का और आम आदमी पार्टी के हर एक बंदे का और कॉर्पोरेशन अफसरों का धन्यवाद करता हूं। इन चीज़ों पे निकेल
कसी है और आगे भी कसते रहेंगे। जय हिंद। चतुर्मास के शुभारंभ पर जैन धर्म समुदाय की तरफ से राज्य स्तरीय शोभा यात्रा बरनाला शहर में बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पंजाब भर से अलग अलग जिलों से जैन श्रद्धालु बरनाला पहुंचे थे। इस मौके पर जैन धर्म से संबंधित श्रद्धालुओं ने चतुर्मास के शुभारंभ पर सभी को शुभकामनाएं दी और देश में अमन शांति व प्रेम भावना बने रहने का प्रचार भी किया। इस मौके पर SS जैन सभा के महामंत्री भीम जैन ने बताया कि पारस मनी श्री समताजी महाराज, कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री डॉक्टर श्री सुयशाजी महाराज, वीर शिरोमणि श्री प्रगति जी महाराज, सेवा भावी श्री मंत्री जी महाराज, विद्याभिलाषिणी जी, श्री मनीस्वी जी महाराज, श्री यतना जी महाराज, श्री गाथा जी महाराज ठाणे 7 का मंगलमय चतुर्मास बरनाला में है। इसी के मद्देनजर चतुर्मास के शुभारंभ पर जैन धर्म समुदाय की तरफ से राज्य स्तरीय शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के सभी बाजारों से होती हुई सदर बाजार बरनाला में जाकर संपन्न हुई। इस समारोह की अध्यक्षता रमेश जैन परिवार ने की। झंडा रस्म अचल जैन परिवार ने अदा की। इस मौके पर अध्यक्ष जगजीव जैन, उपाध्यक्ष महामंत्री डॉक्टर अरिहंत जैन, महासचिव भीमसेन जैन, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश जैन, सलाहकार रजनीश जैन, प्रेमचंद जैन, सतीश जैन, डॉक्टर जीवन अनिल जैन, ईश्वर जैन, सुनील जैन और गुरु पन्ना चंदन जैन युवक मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज बरनाला दे विच समता महाराज जी, सुशा महाराज जी का प्रवेश होया है बड़ी धूमधाम के नाल, जिदे विच बाहरली सारे बरादरियां ने भी सहयोग किया। लोग नचदे टपदे हुए धूम धड़ाके दे नाल SS जैन सभा दे विच प्रवेश किया उन्होंने। तो 4 महीने का जिहड़ा चतुर्मास चलना है, जो कि इतिहासिक जैन धर्म का एक सिर है, उहदे विच खूब रौनक लगनगियां। सारे बरनाला निवासियों जां बाहरले सारे लोगों को कहना भी साढ़े समाज के नाल वध चढ़ के सहयोग दिंदे रहन। इस तरह कथा दे विच भी रौनक, कथा रोज़ 8 to 9 प्रवचन होया करूगा, जिहदे विच बड़ी धूमधाम के नाल महाराज श्री ने प्रवेश किया था, उवें जिवें धूमधाम नाल चतुर्मास चलूगा। असीं अपनी शोभा यात्रा अज्ज बड़ी धूमधाम नाल जैन हैप्पी स्कूल तो हंडाया बाजार तो सदर बाजार होकर जैन सभा पहुंचे हैं। बहुत लगन ना सारे साडे वर्करां ने काम किया। 8 to 9 डेली प्रवचन होना है। इत्थे अपना उपर गौतम प्रसादी जलपान है, तो सारे नूं इह धूम धमा के सामने अज्ज सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिंद। हम पिछले चतुर्मास मलोड मंडी का करके आए हैं और विहार करते करते अब हमारा 29 जून 2023 का चतुर्मास प्रवेश के लिए बरनाला के अंदर जैन स्कूल से चलकर हम यहाँ SS जैन सभा में पहुँचे हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, मलोड से, जैतो मंडी से और लुधियाना से, मानसा से, डाबाली से, खोखर से, जुम्बा से, बठिंडा से और जैतो मंडी से, जगह जगह से सब लोग आए हैं। सब ने यहाँ रौनक लगाई है, अपना अनमोल समय निकाला है और आभार प्रकट हम सबका करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सब ने हमारी सी महफिल की शान को बढ़ाया है। बरनाला निवासी के सभी पदाधिकारी, प्रधान जी, जगजीवन जी, हमारे मंत्री श्री भीमसेन जी, उपाध्यक्ष श्री अरिहंत जी, वेद प्रकाश जी और हमारे रंजीत रजनीश जी और इन सबका बहुत बहुत सहयोग है। हमारे पूर्व प्रधान श्री प्रेम जी, सबके अंतक प्रयास से आज बहुत रौनक लगी है, बहनों की बहुत रौनक लगी है, सभी का आज हमारा सबका प्रवेश हुआ है। इस मंगल प्रवेश के अंदर सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये चतुर्मास मंगलकारी रहे, यही हमारी शुभकामना है। जी शासक पात्र की समता निवास की ओर से सबके लिए मंगल कामना, मंगल भावना और मंगल। बरनाला निवासियों को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 5 महीने का चतुर्मास आया है, हमारी अंतर यात्रा करने की जगह है, वही यात्रा हमने बहुत की है लेकिन अब हमने अंतर की यात्रा करनी है और हमारी आत्मा की, मन की सफाई करनी है, बुद्धि को निर्मल बनाना है, क्रोध मान माया लोग राग द्वेष से दूर होना है, व्यसनों से मुक्त होना है और हमारी दिनचर्या को शुद्ध बनाना है और हमारे विचार शुद्ध रहे। अगर विचार शुद्ध है, हमारा आचार शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है तो हमारी आत्मा में आनंद ही आनंद है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
जंडियाला गुरु के नजदीक खलचिया पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू। आधा किलो हेरोइन, एक पिस्तौल, एक लग्जरी गाड़ी की बरामद। अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू इलाके में बाइक सवार दो युवकों ने पिस्तौल की नोक पर वीरका बूथ के मालिक को लूटा। सोने का कड़ा, सोने की बाली और 8000 रुपयों की नकदी लूट हुए फरार। होशियारपुर के तलवाड़ा थाने की पुलिस ने टेरेस रोड पर स्थित एक होटल में चल रहे जिस्म फिरोशी के अड्डे का पर्दा किया फाश। 11 लोगों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।